हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि ये डोसा कितना ही सॉफ्ट और यम्मी है। इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो इस डोसे को बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार बनाता है। साथ में हम शेयर करेंगे इसके साथ खाई जाने वाली चटनी। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना ही टेम्पटिंग और मज़ेदार है। इस डोसे को बनाने के लिए हमें ना ही घंटों तक इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत है और ना इसे पीसने की झंझट है। तो ये इंस्टेंट बनने वाला डोसा है जिसे हम चावल के आटे से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरू करते हैं वीडियो को। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है और हम यूज़ करेंगे 2 कप पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है और इसका एक लम्स फ्री घोल तैयार करना है। याद रहे फ्रेंड्स, पानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके ही हम इसे एक घोल बनाएंगे ताकि इसमें जो भी लम्स है वो सारे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी इस्तेमाल कर लिया है और अब ये दूसरा कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसका एक स्मूथ घोल बनाकर हम तैयार करेंगे और ये घोल बिल्कुल भी पतला होना चाहिए, तभी ये हमारा डोसा जालीदार बनेगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके ये घोल को मैंने तैयार कर लिया है। तो सारे लम्स इसमें से डिसॉल्व हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/3 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इस नाश्ते को और भी हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 ग्रेट किया हुआ गाजर और 1/2 ही इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्ची। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चियों की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर चिली फ्लेक्स मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया है, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर लिया है और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये बैटर हमारा तैयार है डोसा बनाने के लिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 तवा ले लिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा। तवे को 2-3 बूंद तेल से ग्रीस कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम टिश्यू पेपर से या किसी भी कपड़े से पोंछ लेंगे और चम्मच में थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे पूरे तवे पर। और साइज़ आपको बड़ा छोटा जैसा भी रखना है आप उसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्प्रेड कर लेना है जहाँ जहाँ पर खाली जगह है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से एक बड़ा सा डोसा बना लिया है। तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट के बाद ये किनारे छोड़ने लगेंगे और इसकी जो साइड्स है वो ब्राउन होने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो हम अब चम्मच से इसको चेक कर लेते हैं और जो इसके साइड्स है उसको भी फ्री कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है, यही इसकी निशानी है कि ये साइड्स छोड़ देते हैं। तो इसको हम पलट के आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, कितना ही बेहतरीन हमारा डोसा बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम सारे डोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इसके साथ खाई जाने वाली बना लेते हैं चटनी, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 मिक्सी जार ले लिया है और 1 छोटा बाउल यहाँ पर मैं ले रही हूँ रोस्टेड चना। इसके ऊपर का जो छिलका था उसे मैंने निकाल लिया है। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 हरी मिर्ची। तीखा इसमें बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। और साथ में हम ले लेंगे सेम बाउल में कोकोनट जो कि सूखा है, आप इसमें गीला कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। साथ में ऐड कर लेंगे 2 छोटा टुकड़ा इमली का जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त आता है। और साथ में ऐड कर लेंगे इसमें हम नमक जो कि आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्सी में घुमा देंगे। तो ये देखिए, नारियल की चटनी हमारी तैयार है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सिंपल इंग्रेडिएंट से बना हुआ ये रेसिपी है। तो अब इसको लगा लेते हैं हम तड़का। तड़के के लिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच राई। राई कड़कने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता
और ये देखिए हमारा तड़का रेडी है, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है चटनी में। तो ये देखिए सुपर डिलीशियस चटनी हमारी रेडी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल। तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जालीदार डोसा विथ कोकोनट चटनी खाने के लिए तैयार है। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।